नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर और सिलसिला बाजारों का में आप सभी को धनतेरस की मार्केट टाइम्स टीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जानेंगे कि आज धनतेरस के दिन सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है, जो कि हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगी। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड का नवंबर वायदा 6548 पर है, 6600 का लेवल तोड़ चुका है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी ये जो कारोबारी सप्ताह है इसमें छुट्टियां ज्यादा है, तो क्या उसके बाद कैसे में एक बार फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल, कैस्टर सीट के अंदर अभी फिलहाल जो है बाजार सुस्त है और ऊपरी स्तरों पर कल भी हमने दबाव आते हुए देखा और 6500 के घरों में अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ कैस्टर दिखाई दे रहा है और ये जो लेवल्स हैं अभी फिलहाल मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि यही बने रह सकते हैं। 6500-6480 गिरावट में नीचे सपोर्ट है, 6480 अगर वो ब्रेक नहीं होता तो वापिस से वहां से बाउंस बैक आ सकता है, जो कि 6600 तक जा सकता है। अभी देखिए, ये कमोडिटी एक रेंज में हो चुकी है, जब तक 6600 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक इसमें अभी फिलहाल नहीं कह सकते कि बाजार जो है तेजी की तरफ जाएगा, क्योंकि रुक गया है मार्केट और अभी छुट्टियों का माहौल है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल उठापटक नहीं देखने को मिलेगी। अभी बाजारों के अंदर नीचे में 6480 और ऊपर में 6600 का स्तर है, अगर 6480 के आसपास आए तब वहां पर एक बार बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। जी, ये से रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल में 2600 की क्लोजिंग आनी शुरू हो गई है, आपको क्या लगता है, क्या 2700 भी अब जल्द ही देखने को मिल पाएगा? तो बिल्कुल, बिनौला खल में तेजी का दौर है, अखिलेश देखिए 2600 के ऊपर निकल चुका है, आज हल्की करेक्शन दिखा रहा है, जो कि हमने पहले भी बताया था कि नीचे से बाय करके चलिए, ऊपर में 2700 तक का टारगेट इसके अंदर फिलहाल मान कर चल सकते हैं और मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा में ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। जी, ये सर रूपा जी, नजर डाले अगर मसालों की ओर, तो मसाले देख रहे हैं कि आज अच्छे लेवल्स पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इंट्राडे में आज मसालों में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, इंट्राडे में मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही, सिवाय हल्दी की अगर बात करूं तो हल्दी हो सकता है आपको 75-75-76 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे। जीरे से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जीरा काफी सीमित दायरे में है, 50-100 रुपए की तेजी पकड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जीरे में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव जा सकते हैं। धनिया की बात करूं तो धनिया ऊपर में 8200 तक जा सकता है, वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी ऊपर में 7500 से लेकर 7600 का स्तर जो है वो छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर भाजी अगर नजर डालें ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में बीते सत्र में हमने निचले सर्किट लगते हुए देखे थे, 4-4% के निचले सर्किट लगे थे दोनों के अंदर, आज देख रहे हैं कि बिना ये ग्वार गम 12800 के ऊपर है और ग्वार सीड 6900 के ऊपर, आपको क्या लगता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग अभी और गहराएगी या फिर इन्हीं लेवल से खरीदारी निकल सकती है और अच्छा मुनाफा देखने को मिल पाएगा? देखिए, कल जो मुनाफा वसूली आई वो अभी और हावी हो सकती है, अखिलेश हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया भी था कि अभी छुट्टियों का माहौल है और इस के चलते इस हफ्ते आपको बिकवाली का मंजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग अपनी पोजीशनें स्केयर ऑफ करते दिखाई दे सकते हैं, हर कोई अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहता है, त्योहार का सीजन है, त्योहारी मौसम है, इस वजह से जो है प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से वॉल्यूम्स भी गिरे हैं और ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहां से ग्वार आप मान के चलिए अभी नीचे में 12600 के आसपास सपोर्ट ले सकती है गम की अगर बात करें, और वहीं सीट की बात करें तो 6880 के आसपास इसके पास भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वाला हफ्ता आपको ग्वार में काफी उठापटक देखने को मिल सकती है, लेकिन बिकवाली का प्रेशर ज्यादा रह सकता है। वहीं निचले स्तरों पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी बाइंग की होनी चाहिए, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी आज जो नीचे अगर गिरावट आती है तो उस गिरावट के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि कॉटन 33000 के भी पार जा चुकी है और अच्छा लेवल दिखा चुकी है। अखिलेश देखिए, कॉटन में तेजी है और 33000 के पार बिल्कुल, और अभी हमें यहाँ से लगता है 33,500 तक ऊपर जा सकती है, और अभी जो ये नवंबर का महीना है और पिकअप ले सकता है मार्केट, आगे दिसंबर के महीने में थोड़ा सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तेजी की तरफ है, मान के चलिए कि करंट लेवल से वायदे के अंदर 300-500 रुपए का अपसाइड मोमेंटम अभी और बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर पाजी नजर डाला अगर सोयाबीन की कीमतों की ओर, तो देखने की आज सोयाबीन का नवंबर वायदा 5500 के ऊपर निकल चुका है, आपको क्या लगता है, क्या आज इंट्राडे में सोयाबीन में 5600 भी देखने को मिल पाएगा?
देखिए बिल्कुल देखने को मिल सकता है, लेकिन अखिलेश मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं लगती है। अभी देखिए पीछे रिपोर्ट में एक पढ़ रही थी कि ब्राजील के अंदर भी इस बार जो है वो प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 40-45% के अराउंड में। तो मुझे लगता है आगे जब अराइवल्स आएंगे तो अच्छी खासी इस बार सोइंग अच्छी होने की उम्मीद की जा रही है। कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो तेजी आई थी उस पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे सकता है, और अभी जो सिनेरियो यहाँ बन रहा है फेस्टिवल सीजन की मांग है उसकी वजह से जरूर तेजी बनी है सोयाबीन के अंदर। और आपको जो दिसंबर वायदा नवंबर वायदा जो है वो 5600 तक ऊपर जाते हुए दिखाई बिल्कुल दे सकते हैं। 5600 तक का मैक्सिमम अपसाइड 5600-5620 का सोयाबीन के अंदर आ सकता है। आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि मैक्सिमम तेजी 5540 तक बन सकती है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से आज धनतेरस के दिन वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर आज निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? अखिलेश देखिए धनतेरस पर निवेश करने के लिए मुझे लगता है कि बिनौला खल एक अच्छी कमोडिटी है जिसके अंदर आने वाले दिनों में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इसके अंदर आप आज निवेश करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल को जवाब देने की और उन कमोडिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाने की जिनकी ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।